नमस्कार दोस्तों। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 20 था ट्रिग्नोमेट्री में, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। तो देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट को हमको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए के बराबर। देखो, एक मेथड तो हमारे पास ये हो जाएगा कि भाई सारे पदों को साइन और कॉस में चेंज करके भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो कॉस एक है इसको एक बटे साइन लिख सकते हैं, कॉस को कॉस रख लेंगे और सेक को वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर मैं इस होल स्क्वायर को खोल देता हूँ तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये किससे खुल सकता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ से देखो, मैं एल एच एस लेकर के चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ, 21 की। तो यहाँ पे जो साइन ए प्लस कॉस ए के एक सर्वसमिका होती है आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे a बराबर तो साइन a हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा आपके पास cos a के हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें a बराबर आपका cos a हो जाएगा और b बराबर आपका sec a हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a का मतलब मैं साइन स्क्वायर, साइन का क्या कर दूंगा, स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर a प्लस डायरेक्ट लेकर के चल रहा हूँ मैं, इस cos cos a के को खोलूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, cos a स्क्वायर a प्लस दो का दो, ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास अभी साइन ए, और बी का मतलब हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस। उसके बाद देखो, कॉस ए प्लस सेक ए को भी मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको खोलता हूँ तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए या टू कॉस ए और ये आपका सेक। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए टू साइन ए कॉस एक ए, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए टू कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब देखो अगली बात में क्या करूंगा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। देखो, एक सर्वसमिका होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो देखो, मैं साइन स्क्वायर ए और कहीं पर मुझे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है तो उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या? तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिख दूंगा और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैं इतना बता देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये कितना हुआ हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब देखो एक तो ये पद बचा हुआ है और एक ये वाला, तो इसको लिखेंगे टू साइन ए। एक सर्वसमिका लिखाई थी मैंने आपको, कौन सी, कि भाई साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास एक बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, या कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारे पास एक बटे साइन थीटा। ऐसी दूसरी थी सेक थीटा बराबर होता है आपके पास वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं साइन को साइन रखूंगा और ये जो कॉसेक है इसको कितना लिख सकते हैं एक बटे साइन ए प्लस। अब देखो ये पद रह गया तो दो पद, दो कॉस ए का कॉस ए और ये आपका सेक ए है, इसको लिख सकते हैं एक बटे कॉस ए। क्लियर हुआ इतना? देखो ये तो सेम चला, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसको मैं कितना लिख दूंगा वन आ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर जो थीटा है या कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है तो क्या मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? ये वाली सर्वसमिका थी आपकी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपके पास वन प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, सॉरी उल्टा हो गया ये, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास होता है कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये खोल लिया हमने, ये भी लिख लिया, यहाँ से देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 2, इधर से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, ठीक है। आगे बात करें तो देखो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए हमारे पास, 2 और एक 3, 3 और 2 5, और 2 कितने हो गए 7, और ये प्लस आपका क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और यही हमारी क्या है आर एच एस। एक बार फिर से देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए के बराबर। इस साइन ए प्लस कॉसेक ए को मैंने ए प्लस बी के फॉर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉसेक ए, सेम मैंने इसको भी इसी प्रकार से खोल दिया। अब बताओ साइन स्क्वायर के साथ मैं कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रख दूंगा मैं, यहाँ पे ये रख दिया, ये कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ और कॉस से कॉस, तो ये 2 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, तो देखो 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। एक बार आप इसको नोट करो, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हमको इसको कंप्लीट पार्ट को सिद्ध करना है। तो देखो जो साइन की पावर 8 थीटा और कॉस की पावर 8 थीटा है, तो 4 का और 8 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, द्विपद पर में लगा सकते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो हमारे स्तर की बात है नहीं, 10th के स्तर की। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो साइन की पावर 8 थीटा इसको मैं लिख दूंगा साइन की पावर 4 थीटा और उसका होल स्क्वायर, ऐसे मैं कॉस की पावर 4 थीटा और इसका कर दूंगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको आगे देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 में मैं LHS को लेकर के चला, ये साइन की पावर जो 8 थीटा इसको कितना लिख सकते हैं अपन, साइन की पावर 4 थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो घातांक नियम से दोनों का गुना होगा तो 8 ही आ जाएगा, ऐसे इसको मैंने कितना लिख दिया, कॉस की पावर 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर मैं साइन की पावर 4 थीटा को ए कह सकता हूँ, तो इस साइन की पावर 4 थीटा पर स्क्वायर लग रहा है, तो ए पर भी स्क्वायर हुआ, ये माइनस का माइनस, कॉस की पावर 4 थीटा को अगर मैं बी बोल सकता हूँ, इस पे अगर स्क्वायर लग रहा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में मैं तोड़ सकता हूँ, क्या तोड़ दो इसको इतना कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बताओ ए बराबर साइन की पावर 4 थीटा, तो ए प्लस बी इसका मतलब क्या हुआ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, अब ए माइनस बी यानी कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, आप इसको देखिए एलएचएस सॉरी आरएचएस को कि हमको सिद्ध कितना करना है, यहां पे लेकर क्या आना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से इसमें से तो ये वाला पद बनने की संभावना है ही नहीं,
इस वाले पद में से कौन सा बन सकता है, ये वाला। तो इसको मैं पुनः एक बार लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का अलग अलग क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। जैसे इस पद को तोड़ा है, इसको फिर से तोड़ सकते हैं अपन, और ये दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, तो इस वाले पद में मैं इतना ही एक बार ऐड कर दूंगा, और इतना ही क्या कर दूंगा इसमें से, सबट्रैक्ट यानी घटा दूंगा मैं इसमें से, ठीक है। तो साइन की पावर चार थीटा कॉस की पावर चार थीटा में कितना जोड़ दूंगा मैं, इतना ही जोड़ूंगा और इतना ही घटाऊंगा। तो साइन की पावर चार थीटा, या इसको मैं इतना लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर, चार ही हो जाएगी पावर। अब इसमें मैंने टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा, और इतना ही घटा दूंगा क्योंकि मुझे ये पद बनाना है, टू साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ इतना, ये आपका कोष्टक बंद कर दिया मैंने कंप्लीट, ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें तो ये वाला पद रह गया, इसको कितना लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर चार ही हो जाएगी। इस पावर चार को साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर में मैंने तोड़ लिया। अब यहां से आगे देखो, अगर इसको सॉल्व करें हम, तो देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको स्मॉल ए कह दूंगा मैं, कंप्लीट साइन स्क्वायर थीटा को स्मॉल ए, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, ये प्लस का प्लस आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं बी बोल देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर है तो बी पर स्क्वायर, प्लस दो का दो आ जाएगा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ए माना है क्या, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या माना है, बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है कि नहीं होती, बताओ। ये क्लियर हो गया। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको इतना लिख दूंगा अगले पद में तोड़कर। ऐसे देखो इधर भी एक सर्वसमिका बनती है, इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैंने स्मॉल ए बोला, इसे साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हमने बी बोला, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो ये बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमिका आपके पास बनती है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप की। तो इस वाले पद को मैं a प्लस बी ए माइनस बी से तोड़ दूंगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको कंप्लीट a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर लिखें, तो a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। बताओ क्या बच रहा है, यहाँ तक तो हमने इतना लिख दिया, लेकिन ये तो बचा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आपका कोष्टक। ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी कि हमारे पास कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई अगर इस पद के साथ करेंगे तो ये पद क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ यही है हमारी आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो एक बार फिर से समझो इसको, ये जो साइन की पावर 8 थीटा थी, ये कॉस की पावर 8 थीटा थी, इसको हमने साइन की पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर में लिखा, तो साइन की पावर 4 थीटा को अगर a बोला, तो इस साइन की पावर 4 थीटा पर स्क्वायर लग रहा था तो a पर भी स्क्वायर लगा। सेम कंडीशन कॉस की पावर 4 थीटा को हमने b बोला, इस कॉस की पावर 4 थीटा पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हमने साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा में लिखा जा सकता है। इसको फिर से देखो हमने क्या बनाया, इसमें इतना बनाने के लिए हमने क्या किया, दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा और इतना ही घटा दिया। ये साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा की पावर 2 के रूप में लिखा,
उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको ए माना, तो इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ऐसे ये बी स्क्वायर, ये प्लस टू ए बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको मैंने कितना लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। ये आपका पद सेम बना, और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा तो इतना आ जाएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आपका सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये आपकी आर एच एस। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 होगा आपके पास, sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर cot थीटा प्लस cosec थीटा, यानी कि मैं इसको लेकर के चलूंगा sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 को लेकर के चलूंगा, और सिद्ध कितना करूंगा यहां पे cot थीटा प्लस cosec थीटा के बराबर। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक और करवाया था क्वेश्चन नंबर 7, तो वो क्वेश्चन मैंने कहा था कि जब रूट लग रहा हो और यहां पर a प्लस b के रूप में कोई भी पद दे रखा है, तो नीचे वाले पद का अर्थात हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण, उसका उल्टा चिन्ह लेकर के विपरीत चिन्ह लेकर के अंश और हर में गुना कर देते हैं। तो sec थीटा माइनस 1 का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 है तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो sec थीटा प्लस 1 होगा, उस sec थीटा प्लस 1 का अंश और हर में क्या कर देंगे अपन, गुना। तो देखो मैं किसको लेकर के चल रहा हूँ, एल एच एस को लेकर के चले, तो यहाँ पे क्या होगा sec थीटा प्लस 1 का अंश में हर में गुना करने का, ठीक है, तो अंश में हर में अगर गुना करेंगे तो ये आपका रूट लग जाएगा, ये आपका sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 से अंश और हर में क्या कर दिया हमने, गुना, ठीक है। तो आगे अगर इसकी बात करें तो sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 यानी कि x * x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो इसको कितना लिख सकते हैं अपन, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये आपका देखो sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 यानी कि a और ये माइनस b, ऐसे ही a प्लस b कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको कितना लिख देंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टोटल पर क्या लग रहा है हमारे पास बताओ, रूट लग रहा है, ठीक है। तो देखो sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब भी इसको इतना ही रखता हूं मैं, और ये आपका अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो अगर इस रूट को हटाएं तो देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, तो ये केवल रूट में से जब इसको बाहर निकालेंगे तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा, और यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास खाली tan थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को जब रूट में से निकाला तो क्या बनेगा केवल tan थीटा बनेगा। अब जो sec थीटा प्लस 1 है इनको sin और cos के पदों में आप इसको चेंज कर लीजिए और सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो sec थीटा इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और ये आपका प्लस 1, ठीक है। इस कंप्लीट पद में भाग किसका लग रहा है tan थीटा का, तो tan थीटा को मैं कितना लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर। आगे देखें कि भाई इस 1 का और cos का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, cos थीटा आ जाएगा क्या, अब cos थीटा का cos थीटा में भाग लगाएंगे तो 1 बनेगा, और 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1, एक का भाग cos में लगाओ तो cos, cos का एक के साथ गुना करो तो cos थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये भाग का चिन्ह sin थीटा अपॉन में cos थीटा। देखो आगे यहीं से अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो देखो 1 प्लस cos थीटा बटे cos थीटा, ये भाग का चिन्ह जब गुणा में परिवर्तित होगा तो cos थीटा ऊपर आ जाएगा और sin थीटा कहां जाएगा नीचे, cos थीटा से cos थीटा आपका कट जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस cos थीटा और इसमें बटे में क्या है sin थीटा, इस sin थीटा का अलग-अलग
भाग दे दोनों पदों में तो एक बटे साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये एक बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा प्लस बटे साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा, और ये बराबर आपकी आर एच है। देखो एक बार फिर से समझो, जो sec थीटा प्लस वन है, sec थीटा प्लस वन का मैंने अंश और हर में क्या कर दिया, गुना करने पर अंश और हर में sec थीटा प्लस वन से जब मैंने गुना किया तो sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर बना, sec थीटा माइनस वन sec थीटा प्लस वन, यानी a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से sec स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया। ये रूट लगा sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, ये लिख दिया। sec थीटा प्लस वन और tan स्क्वायर थीटा को इसको रूट में से निकाला तो ये sec थीटा प्लस वन पे बटे tan थीटा, ये जो cos sec थीटा है इसको एक बटे cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस वन का प्लस वन, ये tan थीटा का भाग लग रहा है तो भाग का चिन्ह लगा दिया, और tan को sin बटे cos में लिख सकते हैं। आगे ये यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बनेगा, और ये आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रह जाएगा। यहाँ पे अगले पद में इसको उल्टा करेंगे अपन, भाग के चिन्ह को गुना में परिवर्तित करेंगे तो ये जो अंश और हर वाली राशि क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ये कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये एक बटे साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉट थीटा। क्वेश्चन हो गए आपके कितने, 23। आप अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो वही मैं क्या लेकर के चलूंगा, LHS को लेकर के चलूंगा, और जो जितने भी आपको cot थीटा tan थीटा के मान जितने भी इसमें दिख रहे हैं इन सभी को किस में चेंज करना है आपको, sin थीटा और cos थीटा के पदों में, यानी कि sin थीटा और cos थीटा के पदों में जो मैंने इनकी सर्वसमीका आपको बताई थी वीडियो नंबर फर्स्ट में, तो उसके अनुसार मैं इसको चेंज कर दूंगा। देखो तो 1 प्लस cot थीटा, ये आपका 1 प्लस जो cot थीटा है इसको क्या मैं cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, क्या cos इस cot थीटा को इतना लिख दिया, ये प्लस टेन थीटा को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, साइन और कॉस के पदों में, ये कोष्टक बंद, या आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास बचा हुआ है, इसको सेम रख लिया। अब देखो यहाँ पे इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी मैं चेंज करूंगा, और इस पूरे पद का क्या लग रहा है, इस ऊपर वाले पद में भाग लग रहा है तो मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये जो सेक क्यू थीटा है क्या मैं इसको एक बटे cos q थीटा लिख सकता हूं, और जो एक बटे cosec q थीटा है इसको एक बटे sin q थीटा लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों किया, देखो sec थीटा बराबर होता है एक बटे cos थीटा, इस sec थीटा पर पावर 3 तो cos पर भी पावर 3, cosec थीटा बराबर होता है एक बटे sin थीटा तो इसको एक बटे sin q थीटा लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लो, बस इसके नीचे 1 लगा दो, तो इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे पहले, तो यहां से एलसीएम क्या बना मेरे पास, sin थीटा और ये आपका cos थीटा, तो क्या आ गया एलसीएम, क्लियर। अब इस 1 का इस पूरे पद में भाग लगाएं तो ये पूरा पद आएगा sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा sin थीटा cos थीटा प्लस, अब साइन का इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस, और कॉस का और कॉस का गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस का इस पूरे पद में भाग लगाओ तो कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, साइन का और साइन का गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो एक पद तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला, अब जो ये सेम लिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको सेम लिख दिया, ये आपका भाग का चिन्ह, यहां से देखो एलसीएम क्या बना मेरे पास, कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा, ठीक है। कॉस क्यू थीटा का भाग लगाएंगे तो साइन क्यू थीटा बचेगा, एक के साथ गुना करने पर ये साइन क्यू थीटा आ जाएगा, माइनस साइन क्यू थीटा का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस क्यू थीटा, ये क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, हमको आंसर कितना लेकर के आना है, इतना लेकर के आना है। अब देखो ये जो भाग का चिन्ह है इसको संतुलित रूप में लिख लो, गुना में परिवर्तित कर लेते हैं इसको, तो देखो साइन थीटा
और ये आपका कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इसके साथ ऊपर गुना में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। और ये भाग का चिन्ह गुना में परिवर्तित किया तो कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा ऊपर, और ये आपका साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा नीचे। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा और कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास बताओ? साइन थीटा बचा, ये कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या बचा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बटे में देखो ये वाला पद तो कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब देखो यहां से आगे मैं कहां करूंगा? ऊपर करूंगा थोड़ा सा। देखो पहले ये समझो, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की एक सर्वसमिका होती है आपके पास ए माइनस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पहले भी बताई थी मैंने आपको। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर हुआ इतना? तो देखो ये जो है ये वाला पद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या मैं इसको ए बी कह सकता हूं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी, यानी ये जो संपूर्ण पद बच रहा है हमारे पास, क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं क्या? और एक ऊपर एक चीज और बच गई है आपके पास, इसको छोड़ गए हम, ये साइन थीटा कॉस थीटा एक एक ही तो घटाता, तो ऊपर क्या बच रहा था हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो उसको मैं कहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, चलो पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला पद बचा हुआ था हमारे पास, तो ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं क्या अगले पद में? देखो यहां कर देता हूं मैं बाकी का क्वेश्चन, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है अभी? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीट, क्या बचा खाली हमारे पास बताओ? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हमारे पास आ रहा है। देखो थोड़ा सा यहां से फिर से समझना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये मैंने कॉट को लिखा कॉस बटे साइन, टेन को लिखा साइन बटे कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा सेम, sec स्क्वायर थीटा cos से cos sec स्क्वायर थीटा का भाग लग रहा था, तो sec स्क्वायर थीटा को 1 बटे cos cos q थीटा, और इसको 1 बटे sin q थीटा लिख सकते हैं। यहां से देखो इसका LCM आया तो ये इतना बन जाएगा, ये सेम, और यहां से इसका LCM लिया तो ये इतना बनेगा आपका, ठीक है। अब ये गुना भाग का चिन्ह गुना में परिवर्तित करेंगे, तो देखो ये sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा सेम, ये sin थीटा बटे cos थीटा बटे में इनटू ये cos q थीटा sin q थीटा ऊपर गया, और ये वाला पद कहां पे आ गया? नीचे। ये sin की पावर 3 थीटा और cos की पावर 3 थीटा, एक एक पावर कट गई तो यहां पे दो पावर बची, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने यहां पे, और ये कंप्लीट पद क्या लिख दिया अपन ने? सेम, और sin q थीटा बटे cos q थीटा इसके कहां आ गया? बटे में आ जाएगा। तो देखो ये जो पद बना हमारे पास a माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इस पूरे को कितना लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, अर्थात साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा लिख सकते हैं इसको, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसके मल्टीप्लाई में है, और बटे में साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी क्या हो जाएगी? आर एच एस। आपके क्वेश्चन हो गए कितने? 24, ठीक है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25, 26,
छह क्वेश्चन और बचे हुए आपके, जल्दी कराऊंगा मैं उनको भी। ठीक है, धन्यवाद।